नमस्कार दोस्तों, कुकजीत और फैमिली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, गणपति फेस्टिवल अभी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं, तो आज हम गणपति बापा के फेवरेट मोदक रेसिपी बनाने वाले हैं, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आज हम बनाएंगे पनीर के मोदक, तो दोस्तों आप ज़रूर बनिएगा, सबको बेहद पसंद आएंगे और बहुत ही आसानी से बन के रेडी होने वाले ये मोदक है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, न्यू आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल घंटी के साथ प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। तो चलो दोस्तों, लेट ना करते हुए फटाक से करेंगे आज की रेसिपी की शुरुआत। पनीर मोदक बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम पनीर। पनीर की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ये पनीर मैंने दोस्तों घर पर बनाया हुआ है, आप मार्केट से भी ले सकते हो, लेकिन क्रीमी पनीर होना चाहिए, फ्रेश पनीर लेना है। फ्रिज में रखा हुआ पनीर हमें नहीं लेना है दोस्तों। यहाँ पर लेंगे मिक्सर जार और इसके अंदर ऐड करेंगे पनीर। पनीर को एकदम बारीक पीस लेना है। दोस्तों, एकदम मक्खन जैसा सॉफ्ट पनीर पीस के रेडी हो चुका है। पनीर को कोई भी एक बर्तन के अंदर ऐड कर लीजिए और इसको हाथ की सहायता से अच्छे से मसल लेना है। अभी हमने पनीर के अंदर कुछ ऐड किया नहीं है, ऐसे ही मसल लेना है अच्छे से। पनीर बर्तन के अंदर बिल्कुल भी चिपकना नहीं चाहिए। पनीर को हाथ की सहायता से अच्छे से मसल लिया है 5 से 6 मिनट तक। बहुत ही बढ़िया बॉल्स बन रहा है, देखिए इसी तरीके का पनीर होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 500 ग्राम पनीर लिया है, तो इसके अंदर ऐड करेंगे 100 ग्राम के करीब शुगर पाउडर। शुगर पाउडर की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हो। आपके घर में जिस तरीके से मीठा खाया जाता है, उसके हिसाब से आप शुगर पाउडर ऐड कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के करीब शुगर पाउडर ऐड कर लिया है और एक चम्मच ऐड कर लिया है कॉर्नफ्लोर, बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर ऐड कर लिया है। अब अच्छे से मसल लेंगे हाथ की सहायता से, एकदम चिकना कर लेंगे। पनीर के अंदर शुगर पाउडर ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी छूटने लगता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको बाद में पकाने वाले हैं। पनीर के अंदर शुगर ऐड कर लिया था, अभी देखिए थोड़ा सा पानी छूटने लगा है शुगर में से, पनीर हमारा थोड़ा सा नरम दिख रहा है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और यहाँ पर हम लेंगे एक नॉनस्टिक कढ़ाई। आप कौन सा भी मोटे तले वाला कढ़ाई ले सकते हो। कढ़ाई जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को स्लो करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे पनीर और शुगर का मिश्रण। दोस्तों, कढ़ाई ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो पनीर का मिश्रण ऐड करते ही नीचे से जलने लगेगा। पनीर और शुगर का मिश्रण मैंने ऐड कर लिया है, अब हम स्लो गैस के ऊपर लगातार चलाते रहेंगे। आपको अगर शुगर की मात्रा थोड़ी सी कम लग रही है तो और भी शुगर पाउडर मिक्स कर सकते हो। इस मिठाई के अंदर हमें घी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, क्योंकि पनीर हमारा ऑलरेडी क्रीमी है। पनीर को लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो कढ़ाई के नीचे चिपक सकता है। अब ऐड करेंगे चुटकी भर के इलायची पाउडर, आप इलायची एसेंस भी ऐड कर सकते हो। मेरे घर में इलायची पाउडर ज़्यादा पसंद नहीं आता है, इसीलिए मैंने कम ऐड किया है। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा इलायची पाउडर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर पनीर का मिश्रण एकदम रेडी हो चुका है दोस्तों, अच्छे से पका लिया है मैंने। अब यहाँ पर मैंने मोदक का शेप ले लिया है, देखिए इस तरीके से साँचा मिलता है मार्केट में ईजीली, बड़ा छोटा आपको जैसे भी मोदक बनाना है उसके हिसाब से आप बना सकते हो। मेरे पास मोदक बनाने का छोटा सा साँचा है, तो मैंने छोटे छोटे मोदक बना लिए हैं।
दोस्तों आपको मैं एक कट करके दिखाती हूँ, आप देख लीजिएगा, बहुत ही सॉफ्ट बना है, मुंह में जाते ही घुलने लगेगा। दोस्तों आज का रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।